तो आप में से मुझे एक सब्सक्राइब मिलेगा कि भाई सर्वाइवल सीरीज की बिग वीडियोस भी बना तो गाइस हे गाइस जैसे लोग से बड़े होंगे आज को फिर एक और वीडियो करते हैं। आज हम फिर एक बार खेलने जा रहे माइनक्राफ्ट वो भी हार्ड कोर। ओए होए नी तू सोनी बाली करता दिल मिलने नु का बी ऑनेस्ट बात करूं तो हार्ड कोर की है पहली बिग वीडियो होने वाली है। एंड भाई आगे जाके अगर इस पे रिस्पांस अच्छा है तो आगे आगे हम और भी बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे। वैसे आज का हमारा टारगेट हमें कुछ भी करके मेंडिंग चाहिए। हमारे पिछले कुछ शॉर्ट्स जिन्होंने देखे उनको पता होगा कि पिछली शॉर्ट्स से हम जूझ रहे हैं मेंडिंग लेने के लिए बट हमें मेंडिंग मिल नहीं रही। इसलिए भाई मेरे को लग रहा है कि एक मिनट में तो मेंडिंग दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि बड़ी वीडियो लेके आऊँ। तो भाई मतलब सारे के सारे विलेज जो घटिया से पता नहीं क्या हो रखा है उनको, विलेज में जितने बेरोजगार विलेजर मौजूद थे भाई एक बंदा मेंडिंग देने के लिए तैयार नहीं है। बट हम भी कोई कम नहीं है, हम भी इनसे मेंडिंग बुलवा के रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट रहेगा कि सारे विलेज से उनको इकट्ठा करके उनसे एक साथ मतलब एक्सचेंज करवाना उनकी ट्रेड्स। पर पहले उससे पहले ये देखो भाई हमारे आर्मर में मतलब अच्छी अच्छी इंचार्जमेंट नहीं है वैसे भी उतने भी, बट मेंडिंग भी नहीं है। वैसे हमको लग रहा है कि हम थोड़ा लकी है बिकॉज मेरे को सारे विलेज सामने जमा दिख रहे एंड यहाँ पे कुछ कर भी रहे जो कि नॉटी कर रहे, तो हमको उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट हमारे लिए अच्छी बात है। बट यहाँ पे अगर देखे तो सारे विलेज से इकट्ठा हो रखा है एंड भाई इससे बढ़िया इनसे इंचार्ज लेने की टाइमिंग हो नहीं सकती। साथ ही हम हमारे फायदे को देखते हुए यहाँ पे ब्रेड खिलाते हैं एंड भाई इनसे और भी चीजें करवाते हैं जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। एंड फसल लगा के आज का हम निकटा के हम भी चलते हैं सीधा सोने। वेलकम बैक एंड यहाँ पे अभी गुड नाइट एवरीवन एंड नाउ गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई सर सुबह हो चुकी है, अभी चलते सुबह सुबह। भाई मेरे को यहाँ पे पहले के दिन याद आ गए जब हम नए नए माइनक्राफ्ट में थे, शायद से 2020 का एरिया था जब हमने नई नई माइनक्राफ्ट शुरुआत की थी। उस टाइम मतलब ऐसा मतलब पूरा सब नया नया लगता तो बहुत ज्यादा मजा आता था। अभी तो भाई सब नॉर्मल हो चुके, मतलब कुछ नया नहीं है तो भाई उतना मजा नहीं आता। बट उस टाइम पे भाई बात ही अलग थी। यार मेरे से एक गलती हो गई, जब सारे के सारे जमा थे ना भाई तभी मेरे को ट्राई करना चाहिए था मेंडिंग लेने की, बट मैंने उस टाइम ब्रीडिंग करने की कोशिश किया भाई अभी सारे विलेज पता नहीं कहाँ गायब हो रखे हैं। मेरे को नल्ले विलेज कहीं दिख नहीं रहे, जो भाई मतलब जॉब है उनके पास वही दिख रहे, जॉबलेस विलेज नहीं दिख रहे। बट कोई ना हम भी ढूंढ लेंगे। जैसे कि ये देखो भाई अबे चक्कर चल रहा है इनका अजीब है भाई, मेरा दिमाग खराब करो भाई तुम लोग। ओहो पहला नल्ला विलेजर दिख चुका हमको, इसको भाई जॉब चाहिए। भाई तू जॉब ले से देख, तेरे को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, तेरे फैमिली को आगे बढ़ाने तेरे को, यार तेरे को ये जॉब लेनी भी चाहिए। भाई सामने से इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं हमारे पास और हम तेरे को ऑफर कर रहे हैं, बट ये देखो भाई दूसरा आ गया। भाई मेरे को बोला था तेरे को भाई जॉब ले ले बट नहीं ली, तो अब पछताता रहे। बट ये भाई एंचेंटमेंट भाई एकदम गधी एंचेंटमेंट दे रहा है, अब जॉब ले ले वरना तेरे सामने पीछे खड़ा बंदा। अबे देख भाई जॉब ढाब लेते इधर से पंच, भाई तेरे को पंच मार दूंगा मैं, याद रख फ्रेम से का मार जा रहा है, दो पंच पड़ेंगी तेरे को। ओके जैसा कि मैंने बोला था भाई, तुम लोग को बोला था भाई हमारे पास सामने से बंदे इंटरव्यू देने के लिए आते हैं एंड भाई हमारी इतनी रेप्यूटेड कंपनी है तुम इस पे जॉब मना कर रहे हो क्या बेवकूफ। अब तो वैसे कुछ नहीं ले ली, जब मैंने मतलब ऑफर की तब नहीं ली थी, अब तो भाई शर्म कर ले, अब तेरे को उतना ज़्यादा पैकेज नहीं मिलेगा, कुछ 2-3 लाख के पैकेज मेरे को निपटा दूंगा अगर तू मेंडिंग देगा तो भाई, बाकी तो वरना निकाल दिया जाएगा। वैसे पब्लिक बड़ी है पर इनकी अकल नहीं बड़ी है भाई, मतलब अकल से बड़ी भैंस हो रखी है यहाँ पे भाई। ये कुछ भी इंचार्ज में दे जा रहे हैं मतलब जो कि बिल्कुल काम की नहीं है भाई, एकदम मतलब यूजलेस इंचार्जमेंट बिल्कुल भाई, विस्तार से इंचार्जमेंट दे रही है। पर पता नहीं अभी क्या करूँ भाई, वैसे टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब तक हमको मेंडिंग नहीं मिलेगी। फॉर्चून भाई मेरा फॉर्चून ही तो खराब चल रहा है ना भाई। हाँ भाई मेरे पास लक भी नहीं है, हाँ सही कहा तू, मेरे पास बिल्कुल लक नहीं है। तो भाई मेरे को तुम बस मेंडिंग दे दो तब जाके मेरा लक अच्छा होगा। टू बी ऑनेस्ट सब मैं बोर हो रहा हूँ, मतलब एक ही लैक्टर उसे ऐसे तोड़ो, उसे दूसरी जगह पे लगाओ एंड भाई इसकी गंदी इंचार्जमेंट चेक करो भाई। मतलब अच्छा इंचार्जमेंट दो तो अच्छा भी लगता है, लाइक अभी कभी प्रोटेक्शन वगैरह दे तो भाई मेरे को रख भी लूँ जॉब पे। पर अगर ये ऐसे इंचार्जमेंट दे एक दूसरे के द्वारा देख के कुछ भी बातें करते हैं तो भाई कैसा चलेगा, और बातें भी करते हैं हाँ हाँ इनकी लैंग्वेज में, कुछ अच्छी बातें करो यार। शायद इसने मेरे को कर्ज दिया कि भाई तेरे को मेंडिंग नहीं मिल रही और भाई उस तरफ मुँह छुपा के भाग भी रहा है। भाई तू बस याद रख, अगर भाई मेरे एक्स से तेरी पड़ी और तेरे सीधे दो टुकड़े हो जाएंगे। अरे नमस्ते भाई, अरे आपका भाई, अरे कुछ नहीं भाई यहाँ पे, अरे पेड़ काटने की बात कर रहा था भाई, वो देखो। अरे कोई नहीं अच्छे नहीं लग रहा हूँ वापस लगा देता हूँ, यहाँ पे बस मैं जॉब दे रहा हूँ इनको भाई, किसको काट रहा हूँ, नहीं किसको नहीं, अरे ले लो ना भाई जॉब लो ना तुम। शायद से हम लैक्टन गलत तरह से लगा रहे हैं, यहाँ पे एक लेन में लैक्टन लगा देंगे 3-4। तो भाई अब देखते हैं यहाँ पे कुछ तरह से इंचार्जमेंट की बढ़िया बड़ी से देते हैं। देखो अरे कोई नहीं एक साथ होता है, देखो फ्लेम दिया, रेस्पिरेशन फ्लेम एफिशिएंसी। अरे भाई साहब बंदर पेड़ के ऊपर कूद रहे ऐसा लग रहा है। अरे सॉरी भाई बंदर, इनको बंदर बोलना भाई बंदर की बेइज्जती होगी। और भाई तू लॉयल्टी दे रहा है, अबे लॉयल है तू साले, मेंडिंग नहीं दे रहा साले, जॉब दे रहा हूँ तेरे को।
अरे ये तो कब से फ्लेम ही दिया जा रहा है भाई, 5 महीने हो गए। अबे साले सिर को सच में 2 पंच मार दूंगा, मेरे को याद रख भाई, वो आयरन गोलम नहीं होता ना तो गुद्दी में तोड़ देता। चलो छोड़ो, आयरन गोलम ने सुन लिया तो भाई मेरी गुद्दी तोड़ देगा। वैसे मेरे को लग रहा है कि 2 से 3 माइनक्राफ्ट के दिन ये भाई लेने वाले है, क्योंकि भाई ये क्या इंटरनेशनल रिपीट करे जा रहे हैं बट एक मेंडिंग नहीं दे रहे। अरे भाई पता नहीं कहाँ भाग रहे सब। अरे भाई तुम भाई जॉब लेके कहाँ जा रहे हो भाई, तुम्हारे इंटरनेशनल चेंज करवा दिए, बड़े एक जगह रुक ही नहीं रहे, पता नहीं सारे के सारे वेयर्स कहाँ भाग रहे। अबे भाई रुक जाओ यार, इंटरनेशनल तो देखने दे भाई, बाद में भाग लेना। हमारे हिडन लिप विलेजेस के बाकी विलेज भी यहाँ पे आ चुके हैं, पता नहीं यहाँ पे कहाँ जा रहे। अरे साले, अरे हाँ याद आया भाई, इस विलेज का हुक्का के मैं हूँ, इस विलेज का राजा मैं हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने एक मीटिंग बुलवाई है एक मेंडिंग देने के चक्कर में, जो मैंने नहीं देखा उसे हम कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो ये देखो ये सब आ चुके हैं यहाँ पे एक मीटिंग में, तो भाई यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन मेंडिंग देगा। जो मेंडिंग देगा उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे क्या रिवॉर्ड देंगे। बट यहाँ पे ये देखो इनकी बातें शुरू हो चुकी है कि कौन मेंडिंग देगा। तो भाई चलो देखो भाई, जो मेंडिंग देगा उसे जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो जाएगा। देखो भाई किस तरह से बातें सुन रहे यार, कुछ तो इज्जत है भाई हमारी। हाँ तो मैंने अपनी बात रख दी है भाई, किसी का कुछ कहना है? अरे कुछ नहीं भाई, किसी कुछ भी बातें सुननी नहीं जाएंगी। चलो मीटिंग खत्म हो गई है, भागो अब चलो सारे के सारे। वैसे मीटिंग मेरे को एक मंत्र पता चलेगा, जो बोलेंगे तो मेंडिंग दे देगा। इसके ऊपर वो मंत्र बोलते हैं चीन टबाक डम डम। रविश ने जॉब ले लिए, लेट्स गो, मेंडिंग मिल चुकी है भाई। ओ भाई सच पे भाई हमारा मंत्र काम कर गया है भाई, हमको मेंडिंग मिल चुकी है भाई। ये देखो सच पे मेंडिंग दे रहा है, बट इसके एंचारमेंट लॉक करनी पड़ेगी भाई। तू सच में भाई देव मानुष यार। चलो आपका सौदा मंजूर किया जाता है, आपको मिलेगा बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड, वो हम बाद में देखें भाई। मीटिंग का फायदा हुआ और मीटिंग में जो मंत्र भी मिला उसका भी फायदा हुआ, अभी जाके फाइनली आप मेंडिंग ले सकते हैं। अभी आई अगली शॉर्ट्स वीडियो जल्दी से आएंगी या फिर हम बिग वीडियो में बनाएंगे, वो आप कमेंट में बताओ। इस बिग वीडियो को मैं और बिग करना नहीं चाह रहा, बिकॉज यार मेरे को ज़्यादा बड़ी वीडियो डालना नहीं है, तो कमेंट में आपके रिस्पॉन्स बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह से टॉप नॉच वीडियो में, लेट्स गो, बाय बाय। सो विलेजर्स, हमें मेंडिंग मिलने की खुशी में रखी जाती है एक पार्टी, एंड पार्टी ये है कि आप सबको मिलेंगे फ्री के ब्रेड्स। अभी भाई बस यहाँ पे मतलब थोड़ी देर में ब्रेड आने वाले हैं, बस तुम थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करना है, उसके साथ ही आज पाव भाजी फ्री में, तो भाई मजा मजा करेंगे अब। एंड भाई कभी तक आएगी उसका तो पता नहीं, बट तुमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अरे भंग पे, अच्छा रात हो गई, तो चलो भाई चलते भाई, कैंसिल भाई पार्टी वार्टी कैंसिल।